Very good morning, all of you, student of class 6. Listen carefully and subject chemistry and history. Yes, suppose मैं आज हिस्ट्री का लेने जा रहा हूं. चैप्टर नंबर 7 देखेंगे. चैप्टर नंबर 7 में क्या है? ग्रेट थिंकर्स. क्या ऐसी वजह थी कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सी ऐसी जो धर्म आए जिन धर्मों में इतना ज्यादा आकर्षण था, जिन धर्मों में ऐसी कौन सी बातें थी जिसके कारण कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और किस समय इस चीजों का प्रादुर्भाव हुआ, वह किस समय उन लोगों ने अपने अनुयायियों को बनाना प्रारंभ किया, आखिर उनमें क्या ऐसी बातें थी जो कि हिंदू एक सनातन धर्म जो कि पुराने काल से चलता आ रहा है उस काल में रहते हुए भी इन लोगों ने जन्म लिए और इन लोगों ने कुछ ऐसा हटके सोचा जिसके कारण एक धर्म ही बन गया. जैसे सिद्धार्थ को देखिए, भगवान बुद्ध को देखिए, इनका गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, आखिरकार उनकी क्या ऐसे डिसाइपल्स हो गए, कैसे हो गए, कौन कौन से डिसाइपल ऐसे हुए जिनको उन्होंने ट्रेन किया और इनके प्रचार प्रसार उन्होंने किए. जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा हिंदू धर्म जो कि सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, साथ ही हमारे धर्म में काफी कास्टिज्म सिस्टम था जिसके कारण व्यक्ति का व्यक्ति से, आदमी का आदमी से काफी ज्यादा अलगाव था और ये लोग कहीं ना कहीं क्षुब्ध थे. साथ ही इतनी करुण चीजें हुआ करती थी उनमें जिनके कारण ये लोग सनातन धर्म में हो रहे चीजों से काफी उब गए थे और दूसरे धर्मों के प्रति इनका आकर्षण काफी बढ़ने लगा और इनको जानने के लिए, समझने के लिए वो लोग इसके अनुयायी बने. ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में, ग्रेट थिंकर्स एंड न्यू आइडियाज. क्या वो ग्रेट महान थिंकर थे, सोचने वाले उनके क्या क्या आइडियाज थे जिसकी बदौलत लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया. उनमें से एक है हमारा गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध देखेंगे हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में. क्या ही वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. यानी जो बुद्ध धर्म को अपना लिया वो बौद्ध धर्म को अपना लिया वो क्या हो जाएगा? बुद्धिज्म. यानी दोज पर्सन हु एक्सेप्ट द रिलीजन ऑफ बुद्धा दैट इज कॉल्ड द बुद्धिज्म. ठीक है, वाज
on BC in Lumbini. Near Kapilavastu, in modern day Nepal. His birth name was Siddhartha and he was the son of Suddhodan. A chief of Sakya Twenties mother was Maya Devi. चलिए आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं, ध्यान से इसको लिखिएगा। है क्या गौतम बुद्धा? तो गौतम बुद्धा जो फाउंडर, हमने ऐसा पहले ही आपको बताया कि बहुत ऐसे जो थिंकर्स थे, ऐसे जितने नामी ग्रेट थिंकर्स, ग्रेट मतलब महान, महान जो विचार, उनका विचार ही महान था। ऐसे हम लोग, हम और आप मिलकर आदमी विचार विमर्श कुछ करते हैं ना, तो देखते क्या है कि न्यू आइडियाज उनके क्या क्या थे वो। तो हम लोगों ने पाया कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ सनातन धर्म, जिसमें अगर विवेकानंद की बात किया जाए तो विवेकानंद के बारे में सब कोई जानता है, और विवेकानंद के जन्मदिन दिवस के अवसर पर ही यूथ डे मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को इतना ज्यादा आगे बढ़ाया कि जब वर्ल्ड शिकागो में वो गए तो उन्होंने सिर्फ अपने वाणी से सिर्फ एक ही वाणी कहा, मेरे प्यारे भाई और बहनों। वर्ड तो बड़ा सिंपल है लेकिन कहने का अंदाज कुछ इस प्रकार से था कि 10 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट उनको मिलते रहे। बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध की जो बात हम कर रहे हैं, हमने देखा एक कहानी थी अंगुलीमाल डाकू की, अंगुलीमाल डाकू जो कि लोगों को हत्या करके उनके पैसे वगैरह लूटा करता था और उनकी उंगलियां काट करके अपने गले में पहना करता था। इस तरह के खतरनाक टाइप के डाकू जो है हमारे यहां भी हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि आखिरकार क्या असर, तो अंगुलीमाल डाकू जैसे ही भगवान बुद्ध की तरफ बढ़ा, भगवान बुद्ध ने उसे देखा नहीं, आगे बढ़ गए। अंगुलीमाल डाकू ने कहा, ठहर जाओ, बस भगवान बुद्ध का सिर्फ एक
एक ही स्वर था, मैं तो ठहर जाऊंगा मगर तुम कब ठहरोगे। सिर्फ इसी वाणी ने अंग्रीमाल जैसे डाकू को पूर्णतः बदल के रख दिया। आखिरकार क्या ऐसी थी उनके वाणी में, क्या ऐसी खिंचाव थी उनके वाणी में, आज उसी का कुछ अंश लेकर आपके सामने इस चैप्टर को हम लोग आए हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ही वॉज फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट, यानी कि बुद्ध, बुद्ध के धर्म को, गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाने वाले को बुद्धिज्म कहा जाएगा। वॉज बॉर्न इन 563 BC इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के नजदीक एक लुम्बिनी नामक गांव था, वहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो कि अभी प्रेजेंट डे नेपाल में है। एंड इज बॉर्न नेम वॉज सिद्धार्थ, और उनके बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था, और जो उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, और साथ ही उनकी माता का जो नाम था वह था माया देवी। अपने बच्चे और बीवी को छोड़कर सत्य की तलाश में गौतम बुद्ध जब निकले थे तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिस सत्य की खोज में निकला हूं वो सत्य कैसा होगा। लगभग 4 वर्षों तक घूमने के बाद, 4 या 5 वर्षों के घूमने के बाद उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और एक ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस ज्ञान पर आधारित बहुत सारे ऐसे तथ्यों को उन्होंने जमा किया और देखा, सोचा, समझा, उनको समाज में दिखाया, लोगों को बताया कि वी ऑल आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, कि हम सभी लोग उस गॉड का क्रिएशन है। नो वन इज अप एंड नो वन इज डाउन, कोई जो है दूसरे के ऊपर नहीं है और दूसरे के नीचे नहीं है। So, हम तभी खुश रह पाएंगे जब दूसरे खुश रह पाएंगे, यानी